मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसीज कंपैरिजन करूं दोनों प्रेगनेंसी में और बताऊं कि कितने टाइम बाद मैंने कंसीव किया और क्या कॉम्प्लिकेशंस आई फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकंड प्रेगनेंसी में। तो ऑल ओवर मैं ये बोलना चाहूंगी कि दोनों प्रेगनेंसीज में कंपैरिजन करना है और आपको बताना है कि कौन सी प्रेगनेंसी मेरी ज़्यादा अच्छी गई, ज़्यादा बेटर गई और कौन सी प्रेगनेंसी मेरी खराब गई। सो सबसे पहले अगर फीलिंग की बात करो तो वो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेगनेंसी हमारी जो भी होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं हमारी। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में या बहुत टाइम बाद अगर हम कंसीव करते हैं तो वो प्रेगनेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। होती सेकेंड भी है बट हम एक एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं तो शायद थोड़ा बहुत ऐसा फ़र्क आ जाता है मेरे हिसाब से कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल होती है अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑल ओवर बताऊँ तो मेरी बहुत डल गई बिकॉज मेरा कॉम्प्लेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था। आई डोंट नो गर्ल की वजह से हुआ था या क्यों हुआ था, कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था, एकदम से बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो चुका था। मैंने दोनों ही प्रेगनेंसीज में बहुत वेट गेन किया है, बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने जब कंसीव किया था तो अप्रॉक्स 62 kg के समथिंग था मेरा वेट, 61 point कुछ था। लास्ट में होते होते शायद मेरा 73 or 74 तक चला गया था। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने कंसीव किया था जब 65 or 66 से स्टार्ट किया था एंड उसके बाद में जब मैंने मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम तक मेरा 80 above था क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरा वेट नहीं हुआ था एंड 2 weeks पहले मेरा 79 point something था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 80 के above तो ऑलमोस्ट हो चुका होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारा लास्ट वीक्स में सबसे ज़्यादा हमारा वेट गेन होता है, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ मैम आप शेयर करें कि कितने टाइम बाद मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव की। तो जब मैंने फर्स्ट 2018 में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी हुई थी, डिलीवरी भी हुई थी, सो कंसीव किया था मैंने जनवरी 2018 में और मेरी डिलीवरी हुई थी अक्टूबर में 2018 में और डेट थी 22nd। और उसके बाद मैंने 2018 मेरा निकल गया तो 2019 में मैंने 10th ऑफ अगस्त मेरी लास्ट LMP थी, तो उसके हिसाब से मैंने अगस्त में कंसीव किया था एंड मेरी डिलीवरी सेकेंड प्रेगनेंसी की हुई थी फोर्थ ऑफ मई को 2020 में। तो इतना टाइम डिफरेंस था मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में, बीच में 10 month का था, 10 महीने बाद ही मैंने दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव की थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए बिकॉज मैंने अपनी बेबी गर्ल को खो दिया था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। बहुत सारे ऐसे मेरे पास में कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं जब मैंने अपनी लास्ट वीडियोस डिलीवरी एक्शन की वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ में या जिन भी वीडियोस में मैंने अपनी फर्स्ट बेबी गर्ल का जिक्र किया है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने भी अपने बेबी को खोया है, हमने भी बेबी को खोया है। सो उनका दुख मैं समझ सकती हूँ और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, जितना ज़्यादा वेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को संभाल सकते हो उतना ज़्यादा टाइम गैप लीजिए दोनों प्रेगनेंसीज़ के बीच में। मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 महीने बाद कंसीव किया था बट आप थोड़ा टाइम और लीजिए, आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि रिकवर होने में एटलीस्ट नॉर्मली आप देखा जाए तो 3 years का टाइम गैप होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर होने में आपको टाइम लगता है। तो आप सोच लीजिए जहाँ 3 साल लगते हैं वहाँ हम 1 साल में ही अगर दोबारा कंसीव करेंगे तो हमारी बॉडी की हालत क्या होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा अब खान पान ऐसा नहीं है, इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलते हैं खाने से, सिर्फ और सिर्फ मेडिसन्स के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मेंटली कंडीशन मेरी भी कुछ ऐसी हो गई थी जिसके कारण वश मुझे जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए थी और मैंने कंसीव भी किया। सो मैंने आफ्टर 10 months दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव की और लिटरली मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी अच्छी गई। बट मैंने जब लास्ट ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ 7th month उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए थे। उस टाइम से मेरे जो स्टिचेस थे उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। डॉक्टर के चेकअप के बाद मुझे पता चला कि उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव है। अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट का काम करूँगी, बहुत ज़्यादा सामान उठाने का काम करूँगी या मैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहूँगी तो मेरे जो स्टिचेस हैं वो ओपन होने का डर है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम में मैंने रेस्ट किया था बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ऐसी हो जाती है कि आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम है, आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम है। और डॉक्टर कभी भी गलत सलाह नहीं देती हैं क्योंकि उनको भी कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं होता है कि आपको कुछ गलत सलाह दे और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की ज़रूर बात सुनिएगा आप लोग और
चलिए बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कॉम्प्लेक्शन मेरा थोड़ा सा डार्क हो गया था और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। नॉर्मली मैं जैसी हूँ उससे एक टोन मेरा फेयर कलर हो चुका था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कौन नहीं चाहता है कि आज के टाइम में गोरा हो जाए। सो अगर बात की जाए आलस की, थकान की, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था, बहुत ज़्यादा मुझे थकान रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं वीक हो चुकी थी अंदर ही अंदर, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता था, बहुत डल रहती थी, बहुत नींद आती थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, नींद बहुत ही कम आती थी, बहुत ही कम आती थी। रात को लेट नाइट तक अगर मैं सोऊंगी तो मॉर्निंग में जल्दी मेरी आँख खुल जाती थी, या आँख खुल जाती थी तो मन नहीं करता था, इस तरीके से मुझे नींद ही नहीं आती थी, सोने का दोबारा मन नहीं करता था। तो नींद मैंने बहुत कम ली है सेकंड प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने बहुत ज़्यादा नींद ली है, तो होपफुली ऐसी कुछ मेरी प्रेगनेंसी गई है। दूसरी चीज़ स्पेशल मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ही थी, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं मेरे जो बेबी है वो फर्स्ट बेबी गर्ल की तरह ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसका फर्स्ट बेबी ऐसा हो तो सेकेंड भी ऐसा ही हो। तो इस चीज़ की मुझे ज़्यादा टेंशन रहती थी, बट हाँ अल्ट्रासाउंड्स में कहीं ना कहीं टेंशन फ्री कर दिया था मुझे। बट फिर भी 1% चांस होता है, आपके मन में डाउट होता है, क्योंकि ये रिस्क होते हैं और आप अपने बच्चे के साथ, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी इस टॉपिक पर। सो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा टेंस्ड गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी मैं, बट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी गई है। इस तरीके से अगर मैं मेंटली कंडीशन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और रहती भी थी। सो इस तरीके से मेरी दोनों प्रेगनेंसीज गई। सो आई होप और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई करके। और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाकर चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होपफुली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।